मूवी की शुरुआत में हम रीटा नाम की एक बुजुर्ग औरत को देखते हैं, जो कि एक छोटी सी बच्ची को जंगल के बीचों बीच ले जा रही है। वहाँ वो उस बच्ची को जमीन पर बिठाती है और वहाँ कोई रिचुअल करना चालू करती है। वो उस बच्चे के चारों ओर आग का गोला जला देती है। बच्ची रोने लगती है और सीन यहीं कट हो जाता है। फिर कुछ सालों बाद हम रीटा की पोती शार्लेट को देखते हैं। ये वही बच्ची है जिस पर रीटा रिचुअल कर रही थी। शार्लेट स्कूल जाने के लिए तैयार होती है, पर उसकी बस छूट गई है, इसीलिए वो अपनी मॉम एंजेला से उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए कहती है। हम देख सकते हैं कि शार्लेट की मॉम और दादी दोनों की ही हालत कुछ ठीक नहीं है। दादी रीटा की बढ़ती उम्र की वजह से तबीयत ठीक नहीं रहती और मॉम एंजेला डिप्रेस्ड स्टेट में है। वो अपना ज्यादातर वक्त अपने रूम में अपने बिस्तर में बिताती हैं। जब एंजेला शार्लेट को ड्राइव कर रही होती है तो उस वक्त भी वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है और एक जगह उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। शार्लेट भी अपनी माँ की बिहेवियर से फेडअप हो चुकी है। वो गुस्से में एंजेला को घर जाने को कहती है और बाकी का स्कूल का रास्ता पैदल ही तय करती है। एंजेला को बहुत बुरा लगता है। शार्लेट स्कूल पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी है, पर उसके कोई दोस्त नहीं है और सुजैन नाम की एक लड़की उसे बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर काफ़ी परेशान किया करती है। पर शार्लेट अक्सर बात न बढ़े इस वजह से उन्हें अवॉइड ही करती है। फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद जब शार्लेट वापस घर लौट रही होती है तो रास्ते में वो अपनी मॉम की कार नोटिस करती है। उसका दरवाज़ा खुला हुआ था पर उसमें उसकी मॉम नहीं थी। अब फैमिली वाले पुलिस में एंजेला के लापता होने की रिपोर्ट करते हैं, पर वहाँ से उन्हें कुछ ज़्यादा मदद नहीं मिलती। तो शार्लेट और एंजेला का भाई यानी शार्लेट के अंकल एरन खुद ही उसकी फ़ोटोज़ के साथ आसपास पड़ोस में पूछताछ के लिए निकलते हैं। रास्ते में शार्लेट को सुजैन और उसके साथी मिलते हैं। सुजैन उससे उसकी मॉम की फ़ोटो ले लेती है और कहती है कि वो उसे फ़ोटो तभी वापस करेगी जब वो बिना खांसे सिगरेट का एक ड्रैग लेगी। पर शार्लेट को खांसी आ जाती है क्योंकि इससे पहले उसने कभी सिगरेट नहीं पी थी। अब सुजैन की फ्रेंड केली शार्लेट की मॉम की फ़ोटो जलाने लगती है। शार्लेट उससे फ़ोटो छीनकर वहां से चली जाती है। फिर वो उसी जगह जाती है जहां से एंजेला गायब हुई थी। वो बहुत दुखी है। फिर कुछ देर बाद वो घर वापस लौट जाती है और जब वो सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगती है तो उसे अपनी मॉम के रूम से कुछ आहट सुनाई देती है। वो वहाँ चेक करती है तो देखती है कि एंजेला बिस्तर से बंधी हुई है और उसकी पूरी बॉडी चादर से ढकी हुई है। जैसे ही वो उसके चेहरे से चादर हटाती है हमें एंजेला का बहुत ही डरावना और अजीब चेहरा दिखता है। शार्लेट डर के मारे चिल्लाने लगती है। तभी उसकी नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि ये बस शार्लेट का सपना था। फिर उसे एहसास होता है कि किचन में कोई है। वो वहाँ चेक करने जाती है तो वहाँ सच में उसे अपनी मॉम बैठी हुई दिखती है जो कि वापिस आ गई है। शार्लेट के अंकल एरन एंजेला के लिए कुछ मेडिसिन लाते हैं जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की हैं, पर उसमें से एक ड्रग लिथियम लाना वो भूल जाते हैं। क्योंकि उन्हें काम पर निकलना है तो शार्लेट कहती है कि उस दवाई को वो ले आएगी। जब वो दवा लेकर लौट रही होती है तो सुजैन उसे रास्ते में मिलती है। वो उससे कल के इंसिडेंट के बारे में माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसे पता नहीं था कि उसकी मॉम गायब हो गई थी। पर शार्लेट उससे कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो और वहाँ से चली जाती है। फिर शार्लेट घर आती है तो देखती है कि उसकी मॉम पहले से काफ़ी बेहतर हाल में है। वो खुश है और किचन में डिनर बना रही है। शार्लेट इस बात से काफ़ी खुश है। वो डिनर टेबल सेट करने लगती है तभी रीटा वहाँ आती है और एंजेला के बनाए खाने को गिरा देती है, पर वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो उससे एक्सीडेंटली गिर गया हो। जब सब डिनर कर रहे होते हैं तो एंजेला शार्लेट को अपने साथ किसी ट्रिप पर चलने के लिए कहती है, पर उसका अंकल मना कर देता है क्योंकि डॉक्टर ने उसे घर पर ही रहने को कहा है और उसे भी लगता है कि जैसी मानसिक स्थिति एंजेला की है उसे कहीं नहीं जाना चाहिए। फिर रात को शार्लेट सोने की कोशिश कर रही होती है तभी उसे बाथरूम से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। वो वहाँ जाती है तो सामने का मंजर देखकर बहुत घबरा जाती है। वो देखती है कि एंजेला अपने हाथ को मुंह के काफ़ी अंदर डालकर उल्टियाँ कर रही है। एंजेला को भी एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है, पर शार्लेट फौरन वहाँ से निकल कर अपने कमरे में आ जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एंजेला अपनी दवाइयों को फ्लश कर रही है, पर कुछ दवाइयों का चूरा बनाकर वो संभाल कर रख लेती है। फिर जब एरन घर के ताले ठीक कर रहा होता है तो वो उसके लिए चाय लेकर आती है। वो वॉक पर जाना चाहती है। वैसे तो उसका बिहेवियर एरन को नॉर्मल लग रहा है पर फिर भी उसे उसकी फिक्र है, लेकिन न चाहते हुए भी एरन उसे जाने देता है। उधर शार्लेट को घर लौटते वक्त केली और उसके साथी मिलते हैं जो उसे बुली करने लगते हैं। तभी वहाँ एंजेला आ जाती है और केली को हिट करती है। वो उन सबको वार्निंग देती है और शार्लेट से दूर रहने को कहती है। अब शार्लेट और एंजेला वहाँ से निकलकर लेक साइड पर पहुँचती हैं। अचानक एंजेला पानी के अंदर जाने लगती है। शार्लेट उसे रुकने को कहती है पर वो नहीं मानती।
और पानी के अंदर चली जाती है। शार्लेट उसे बचाने उसके पीछे पानी में अंदर जाती है, तो तभी उसे पानी में कोई खींच लेता है और वो पानी के अंदर एंजेला का एक अलग ही डरावना चेहरा देखती है। शार्लेट घबराहट में पानी से बाहर आती है और घर की ओर भागती है। घर पर एक और अनहोनी उसका इंतजार कर रही थी। उसके अंकल एरन की तबीयत बहुत खराब थी और उनके मुंह से झाग निकल रहा था, जैसे उन्हें कोई दौरा पड़ रहा हो। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। शार्लेट घर लौटती है और वो बहुत परेशान है, पर एंजेला को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस सब से। वो शार्लेट को अपने साथ डांस करने को कहती है, पर शार्लेट मना कर देती है। इस पर एंजेला को गुस्सा आ जाता है और वो अजीब से तरीके से उस पर चिल्लाने लगती है। वो शार्लेट के साथ जबरदस्ती डांस करने की कोशिश करती है। इस प्रोसेस में शार्लेट को हर्ट भी होता है और वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर अपने रूम में भाग जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। अगले दिन जब शार्लेट स्कूल ट्रिप पर होती है, तो उसका ध्यान वहाँ चल रही एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर जाता है, जिसमें फेरीज और उनके ठिकानों के बारे में बताया जा रहा था, जहाँ हमारी दुनिया उनकी दुनिया से कनेक्ट होती है। इसी बीच कैली और उसके साथी वहाँ आते हैं। कैली शार्लेट से कहती है कि मैंने सुना है कि बचपन में तुम्हें तुम्हारे ही घर वालों ने जलाने की कोशिश की थी, इसी वजह से तुम्हारे चेहरे पर ये अजीब सा निशान है जिसे तुम बर्थ मार्क बताती फिरती हो। वो उसका मजाक बनाती है ये कहते हुए कि तुम्हारी खुद की फैमिली तुमसे छुटकारा चाहती थी, तुम इतनी गई गुजरी हो। तभी सुजैन वहाँ आ जाती है और कैली से शार्लेट को तंग ना करने के लिए कहती है। कैली फिलहाल के लिए वहाँ से चली जाती है। उधर हॉस्पिटल में रीटा को डॉक्टर से पता चलता है कि एरन की बॉडी में लिथियम का ओवरडोज हो गया था। अब हम यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं कि लिथियम एंजेला के लिए मेडिकल स्टोर से आया था और उसने उसी का चूरा बनाकर एरन को चाय में मिलाकर दे दिया था, जिसकी वजह से एरन की ये हालत हुई है। फिर हम देखते हैं कि रीटा हर्ब से बनी हुई एक बॉल को वहाँ जलाकर वहाँ धुआं करने लगती है, ताकि कोई भी बुरी शक्ति या इविल पावर्स वहाँ से दूर रहें। फिर हम शार्लेट को देखते हैं जो सुजैन के साथ है। यहाँ सुजैन उसके साथ अपना ट्रबल पास्ट शेयर करती है और हमें पता चलता है कि उसने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था, पर उसे लगता है कि उसकी माँ हमेशा उसे देख रही है और हमेशा उसका ख्याल रखती है, उसे प्रोटेक्ट करती है। जब वो शार्लेट से उसकी माँ के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि उसके पैदा होने के बाद से ही उसकी माँ को मेंटल इश्यूज थे, पर अब धीरे धीरे उनकी हालत बदतर होती जा रही है, ऐसी जैसे उसने पहले कभी नहीं देखी। फिर शार्लेट सुजैन को डिनर के लिए अपने घर लेकर आती है, पर उसकी दादी कहती है कि आज हमारे घर पर फैमिली डिनर है, इसीलिए तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। शार्लेट को बहुत एम्बेरस्ड फील होता है और वो सुजैन को किचन में वेट करने के लिए कहती है। अब शार्लेट अपनी दादी को कन्फ्रंट करती है कि पहली बार मैंने किसी दोस्त को घर पर बुलाया है और आप उसे जाने को कह रही हैं, क्यों? रीटा बस यही कहती है कि आज वो नहीं आ सकती, उसे फिर कभी बुला लेना। उधर किचन में सुजैन के पास उसकी माँ का घोस्ट आता है और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। सुजैन तुरंत वहाँ से बिना बताए निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि रीटा शार्लेट को उसके चेहरे के निशान के बारे में बता रही है। वो कहती है कि जब तुम पैदा हुई थी, तब तुम्हारी मॉम बहुत यंग थी। तुम्हें इस दुनिया में लाना उसके लिए आसान नहीं था। जब तुम छोटी बच्ची थी तो हमेशा हंसती रहती थी। एक रात जब तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, तब तुम्हारी मॉम तुम्हें घुमाने के लिए बग्गी में ले गई थी, पर वो अकेले ही घर वापस आई। उसे याद भी नहीं था कि वो कहाँ गई थी। जब मैं तुम्हें ढूंढने के लिए गई, तो तुम मुझे नदी के पास मिली, लेकिन तुम उस समय भी मुस्कुरा रही थी। तभी मुझे लगा कि वो तुम नहीं थी, तुम्हें एक चेंजलिंग से बदल दिया गया था। अब दरअसल आयरिश लोक कथाओं के मुताबिक चेंजलिंग फेरी के बच्चे को कहते हैं, जिसे इंसानी बच्चे से जन्म के बाद ही बदल दिया जाता है, और फिर फेरीज उस इंसानी बच्चे को डेविल को दे देती हैं, ताकि उनकी ताकत बढ़ सके, ऐसी मान्यता है। और चेंजलिंग को वापस भेजकर इंसानी बच्चे को वापस लाने के लिए जलाना ही इकलौता रास्ता होता है। तो शार्लेट की दादी मूवी की शुरुआत में वही रिचुअल कर रही थी, और जब वो बच्ची रोने लगी थी, तो इसका मतलब था कि चेंजलिंग की जगह उसकी पोती यानी इंसानी बच्ची शार्लेट वापस आ गई है। शार्लेट ये सब सुनकर हैरान है। उसकी दादी उससे कहती है कि अब वो चीज फिर से वापस आ गई है उसकी माँ के रूप में, शार्लेट को फिर से वापस ले जाने के लिए, और वो फायर रिचुअल फिर से करना होगा ताकि उसकी असली मॉम को वापस लाया जा सके। शार्लेट राजी हो जाती है। तभी उसे एंजेला के रूम से आवाजें सुनाई देती हैं। वो भागकर उस तरफ जाती है तो कमरे को लॉक पाती है। वो रीटा को दरवाजा खोलने को कहती है। पहले तो वो नहीं मानती, पर शार्लेट की जिद के आगे उसे दरवाजा खोलना पड़ता है। शार्लेट अपनी माँ को बिस्तर से बंधा हुआ पाती है। रीटा कहती है कि इसके पूरी तरह बदलने से पहले हमें इसे जलाना होगा, पर शार्लेट से उसकी माँ की हालत देखी नहीं जा रही, और रीटा के मना करने के बावजूद वो एंजेला के हाथ पैर खोल देती है। पर जब शार्लेट की नज़र वहाँ पर रखे आईने पर पड़ती है, तब उसे समझ में आता है कि वो उसकी माँ नहीं बल्कि कोई और है।
शार्लेट बहुत डर जाती है और एंजेला शार्लेट को कमरे में बंद कर देती है। उधर सुजैन केली और उसके दोस्तों के पास पहुंचकर उन्हें हेलोवीन पार्टी के लिए कहती है, पर वो इनकार कर देते हैं। इधर शार्लेट की नींद खुलती है तो उसे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है। वो बाहर आती है तो देखती है कि उसकी दादी रीटा की लाश वहाँ पड़ी है। वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। तभी एंजेला वहाँ आती है और ऐसे बिहेव करती है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं कि रीटा के साथ क्या हुआ। वो एम्बुलेंस को फोन मिलाने लगती है, पर तभी उसके मुंह से एक दांत निकलता है। शार्लेट अब और ज्यादा घबरा जाती है। तभी सुजैन दरवाजे की घंटी बजाती है। शार्लेट दरवाजा खोलती है और सुजैन की नज़र अंदर के हालात पर पड़ती है, तो वो शार्लेट को वहाँ से ले जाती है। एंजेला के मना करने के बावजूद शार्लेट वहाँ नहीं रुकती, क्योंकि वो समझ गई है कि रीटा ने जो कुछ भी कहा था वो सब सही है। शार्लेट सुजैन के घर पहुँचती है। सुजैन कहती है कि अब तुम वहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। शार्लेट कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, और दादी ने कहा था कि अगर जल्दी ही मैंने कुछ नहीं किया तो मैं अपनी मॉम को हमेशा के लिए खो दूंगी। उधर एंजेला की बॉडी में लगातार बदलाव हो रहे हैं और उसका रूप भयानक होता जा रहा है। अब सुजैन और शार्लेट वहाँ पहुँचती हैं जहाँ हेलोवीन की बॉनफायर का इंतजाम किया गया है। रात में एंजेला शार्लेट को सब जगह ढूंढ रही होती है, पर शार्लेट खुद ही उसके पास पहुँच जाती है और उसे अपने पीछे दौड़ाकर उस बॉनफायर तक ले आती है। पर वहाँ सुजैन की जगह केली और उसके साथी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। केली उससे अपना अल्टीमेट रिवेंज लेना चाहती है। वो उसे बॉनफायर के अंदर ढकेल देती है और उसे जलाने की कोशिश करती है। उसके बाकी फ्रेंड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो किसी की बात नहीं मानती। तभी वहाँ एंजेला आ जाती है। वो बहुत डरावनी दिख रही है, इसीलिए केली और उसके साथी उसे देखकर डर के मारे भाग जाते हैं। अब एंजेला भी उस बॉनफायर के अंदर आ जाती है और शार्लेट से कहती है कि अब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं बचा, तुम मेरे साथ चलो, उस दुनिया में कोई दुख दर्द और तकलीफ नहीं है। क्या तुम अपनी माँ को नहीं देखना चाहती, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। तभी सुजैन वहाँ आ जाती है और शार्लेट की ओर एरोसोल फेंकती है। शार्लेट एंजेला को जलाने वाली होती है। अब एंजेला अपने नॉर्मल रूप में आकर शार्लेट को भ्रमित करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब शार्लेट गुस्से में कहती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, और वो उसे आग लगा देती है। सुजैन शार्लेट को बॉनफायर से खींचकर सेफली बाहर निकाल लेती है। अगले दिन जब पुलिस वहाँ छानबीन करती है तो उन्हें कोई डेड बॉडी नहीं मिलती। एरन इस बात से हैरान है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंजेला सही सलामत घर वापस आ गई है। शार्लेट उसे प्यार से गले लगा लेती है। इसका मतलब कि वो फायर रिचुअल कामयाब रहा और चेंजलिंग एंजेला की जगह इंसानी एंजेला बदलकर वापस आ चुकी है। आखिरी सीन में शार्लेट एंजेला को वैसी ही हर्ब्स की बॉल बनाकर देती है जैसी उसकी दादी बनाती थी, और कहती है कि ये आपको सेफ रखेगी। और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।